हार्दिक स्वागत आहे। आज या पत्रकार परिषदेला वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर, प्रदेश अध्यक्ष रेखाताई ठाकूर, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धैर्यवर्धन पुंडकर, प्रदेश प्रवक्ता फारूक अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष अरुंधतीताई शिरसाट, पक्षाचे नेते अशोक भाऊ सोनोने, प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे, जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे आणि मी स्वतः सिद्धार्थ मोकळे, अशी सर्व राज्य कार्यकारिणी आणि जिल्हा पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। पक्षाच्या भूमिकेच्या संदर्भात काल रात्री राज्य कार्यकारिणीची बैठक झाली, सविस्तर चर्चा झाली आणि काही निर्णय पक्षाने घेतलेले आहेत, काही भूमिका पक्षाने ठरवलेल्या आहेत, त्या जाहीर करण्यासाठी आजच्या या पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। मी पक्षाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर यांना विनंती करतो की त्यांनी पक्षाची भूमिका ही माध्यमांसमोर या ठिकाणी मांडावी। मी हिंदीमध्ये सुरुवात करतो आणि मग मराठीत येतो। कल महाराष्ट्र स्टेट कमेटी की बैठक हुई, उस बैठक में कुछ निर्णय हुए कि जिसकी मैं जानकारी आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले कल जो है जरांगे पाटिल इनके साथ में बातचीत हुई। उस बातचीत करते समय फारूक अहमद और किशन चौहान ये दोनों मेरे साथ में थे, दोनों स्टेट कमेटी के मेंबर्स हैं। विस्तार से बातचीत हुई और विस्तार से बातचीत होने के बाद तय कर लिया गया कि ओबीसी समूह को जो है जो उम्मीदवारी नहीं दी जाती थी, जो गठबंधन उनके साथ में होने जा रहा है, उसमें ओबीसी की गठबंधन होगी। दूसरा जो है मुस्लिम समुदाय जो समाज है उनको उम्मीदवारी नुमाइंदगी दी जाएगी, जैन समाज को भी वैसे उम्मीदवारी दी जाएगी। बदलाव की जो राजनीति है उस बदलाव के राजनीति को नए आयाम से शुरुआत करना, ऐसी वहां पर चर्चा हुई और ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो गरीब समाज से हो और उनको ही अपन लोग आगे लाएंगे, ऐसी एक परिस्थिति हुई। पहले फेज के जो उम्मीदवार है वंचित के जो है उनका समर्थन जरांगे पाटिल का है। 30 तारीख को जो है उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से इलेक्शन में किस तरह हिस्सा लेना और उसमें क्या भूमिका लेना, इस पर जो लोगों से राय मांगी है, इसलिए उन्होंने कहा कि 30 तारीख तक अपन इसका फैसला ना करें तो अच्छा है। उस बात को हम लोग ने मान लिया है और 30 तारीख के बाद जो सीटें अभी हम लोग यहाँ पे अनाउंस करेंगे, बाकी के सीटों पर जो है दोनों मिलके फैसला करेंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। दोनों की तरफ से किसी भी कैंडिडेट को प्रेस नहीं किया जाएगा कि यही चाहिए यही चाहिए, लेकिन जो साफ सुथरी है, गरीब है और उम्मीद रखते हैं कुछ करने का, इन्हीं क्राइटेरिया पे जो है वो उम्मीदवारी वहां पर दी जाएगी। जो लिस्ट है बाकी के सीटों का जो है
वो 2 तारीख तक फाइनल हो जाएगी, ताकि 4 तारीख के जो उम्मीदवार, आखिरी दिन के जो उम्मीदवार है उनको फॉर्म भरने का मौका मिले, ऐसी एक परिस्थिति है। ये नया गठबंधन हम लोग खड़े कर रहे हैं, जो हमारे साथ आना चाहते थे उनसे भी हमने कहा था कि भैया जहांगीर पाटिल का जो फैक्टर है उसको इग्नोर करके नहीं चल सकते, मानने के लिए तैयार नहीं थे। वंचित बहुजन अघाड़ी का इस्तेमाल जो है वो परिवारवाद बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे कि जिसको हमने पूरी तरह से रिजिस्ट किया है।